हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम टू छंदस किचन एंड ब्लॉग। ऐसे है आप सब, गर्मी में सब परेशान होंगे शायद, चारों तरफ से देखिए गर्मी गर्मी गर्मी। तो देखिए अभी सुबह का 7 बजे है, मैं छत के ऊपर आके देख रही हूँ कितना धूप है और एकदम पसीना हो गए। तो देखिए कितना चिड़िया सब बैठते थे यहाँ पर, अभी एक ही है, गर्मी की वजह से हाथ छुप गया है। और ये जो पेड़ है, इस पेड़ भी लग रहा है सूखा जैसा है इसको। तो देखिए जितना भी दूर आँख जाए इससे धूप और धूप है एकदम बड़ा बड़ा धूप। अभी से ऐसे ही तो पता नहीं धूप पर कैसे है, बहुत ही धूप है यहाँ पर, तो देख सकते हो फ्रेंड्स। इसमें ना कुछ खाने को मन करता है, ना कुछ काम करने को मन करता है, लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा। तो देख सकते हो थोड़ा सा भी धूप पत्ता के इससे आ रहा है, इसमें एकदम काम करने से हो रहा है, लेकिन देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखिए जो नारियल है ऊपर की तरफ से सूख रहा है, और इसका पत्ता भी देखिए जैसे सूखा सूखा लग रहा है, थोड़ा सा भी पानी मिल जाए तो इसको बहुत सूखना आ जाएगा। तो देख सकते हैं चारों तरफ कितना धूप और धूप है। तो देखिए यहाँ पे मैं बिल्कुल पसीना से भीग चुकी हूँ, देख सकते हैं। तो चलिए आप चलते हैं किचन में। तो आज हम लेके आए एक नया रेसिपी जो आप सबको पसंद होगा शायद, लेकिन ये बंगाली डिश है, बहुत ही अच्छा डिश है। तो मैं यहाँ पे जो मछली है ये है सोल फिश है, तो मैंने पहले भी एक बार इसका रेसिपी दिया है, तो और थोड़ा सा ये मछली था तो इसका और एक रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो इस गर्मी में बचने के लिए और थोड़ा सा टेस्ट मुंह में टेस्ट आने के लिए इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। तो ये जो मछली है बहुत ही टेस्टी होता है, इसका जो रेसिपी होता है। तो नमक दे दिया है मैंने स्वाद अनुसार, साथ में दे दिया है हल्दी पाउडर 2 टीस्पून। अब इसे हम कर लेंगे मैरिनेट, मैरिनेट करके इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो ये जो रेसिपी है बहुत ही टेस्टी होता है, तो आप लोग देखते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 पीस आम, तो आम और मछली का रेसिपी बनेगा, तो थोड़ा सा खट्टा खट्टा वाला। और अब तो देखिए ये जो आम है मैंने 1 पीस ही आम लूँगी और ज़्यादा नहीं, तो ये बहुत खट्टा वाला आम है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल दे दिया है, मैंने सरसों का तेल में सारे सब्जी बनाऊँगी। और तेल गर्म हो गया है, तेल को मैंने हाई फ्लेम में गर्म कर लिया है। तो तेल गरम हो गए, इसमें हम ये जो मछली है मछली को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा हम कड़क करके मछली को फ्राई करेंगे। तो तेल गरम हो गया है, अब मछली को हम डाल देते हैं। तेल ज़्यादा ही गरम हो गया है, तो पहले हम मछली को कर लेंगे फ्राई। तो ये रेसिपी बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाता है, लेकिन बहुत ही टेस्टी और यम्मी होता है। लेकिन ये चावल के साथ ही एकदम परफेक्ट है, बाकी और कुछ चीज़ों से नहीं लगे चलता है। लेकिन इस गर्मी में मैं तो सब चावल ही ज़्यादा ही खाते हैं, और चावल के साथ ये रेसिपी तो एकदम परफेक्ट होता है। तो देखिए मैंने दूसरी तरफ भी पलट दिया है, मछली अच्छे से फ्राई हो गया है, अब इसे हम निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं कितना अच्छे से फ्राई हुआ है, इस तरह का ही फ्राई होना चाहिए। इसे भी हम निकाल लेंगे और जो बाकी मछली है उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो देख सकते हैं अब जो मछली है इसे हम डाल देते हैं। तो जब तक ये मछली फ्राई हो रहा है तो मैंने ये आम को भी काट लिया है। तो देखिए मैंने 1 पीस आम लिया है और इसे इस तरह से हम काट लिया है। अब लोग चाहे तो और भी छोटा कर सकते हैं, लेकिन ये ठीक ही है मछली के लिए, मेरी तरफ से तो ये ठीक लग रहा है। तो इसे बनाने के लिए मैंने जो मसाला लिया है ये लिया है मैंने पोस्तो यानी खसखस 2 टीस्पून, साथ में लेंगे मस्टर्ड सीड, जो पीला वाला मस्टर्ड सीड होता है, तो इसे ले लेंगे 2 टीस्पून। बस नमक दे देती हूँ स्वाद अनुसार, और उसके साथ दे देंगे ये हरी मिर्च। आप लोग जितना तीखा खाना चाहेंगे उतना ही डाल सकते हैं, लेकिन इस गर्मी में मैं ज़्यादा तीखा नहीं बनाऊँगी, इतना सही। और इसी कढ़ाई में हम बना लेंगे सब्जी। तो दे दिया है 1/2 टीस्पून सरसों, ब्लैक सरसों को दिया है थोड़ा सा तड़का लगाने के लिए, तड़का जैसा। तो फ़ौरन के लिए मैंने ब्लैक सरसों दिया है, और इसके साथ हमने दे दिया है 2 ठो सूखा लाल मिर्च, थोड़ा सा चला लेते हैं।
तो गैस को मैंने लो करके रखा है। अब इसमें हम डाल देंगे जो आम इसमें हम डाल दिया है, और इसे नमक दे देते हैं स्वाद अनुसार। साथ में दे देंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। तो इसे आम का जो कच्चापन है इसे दूर करने के लिए थोड़ा सा चलाना पड़ेगा और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। अब ये देखिए मसाला का पेस्ट जो है वो एकदम रेडी है। तो इधर आम भी अच्छे से फ्राई हो गया है, हम ज़्यादा नहीं हल्का सा ही फ्राई किया है लो फ्लेम में, और इसका जो कच्चापन होता है वो भी दूर हो गया है। तो देख सकते हैं आप इसमें हम डाल देंगे जो पेस्ट बनाया है वो पेस्ट को हम डाल दिए हैं। साथ में दे देंगे पानी और थोड़ा सा पानी देंगे, हम ज़्यादा ही पानी देंगे ताकि जो मछली है ऊपर में तैर सके। सॉरी थोड़ा सा मजाक किया है। तो इसे हम ढक्कन देके उबाल लेंगे। तो देखिए उबाल आ गया है अच्छे से। आप इसमें हम डाल देंगे जो फ्राई हुए मछली है उसे डालेंगे। तो देखिए इसमें इस तरह से उबाल आना जरूरी है, उबाल आने के बाद ही मछली को डालना पड़ता है। इसमें जो आम दिया है वो भी अच्छे से बॉईल हो गया है। तो अब ये जो मछली है मछली को डाल देंगे। इतना ज़्यादा पानी दिया है इसलिए ताकि जो पानी है वो मछली के ऊपर चला जाए और मछली नीचे आ जाए। सबका ये कुछ रेसिपी बनाने के लिए अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग बोली होता है, तो मैं अपने तरीके से ही बना रही हूँ। आप इसे इस तरह से पकने देंगे। अब जो है तो देख सकते हैं आप इसे हम लो फ्लेम में इसे 10 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि ये जो पानी है खट्टा वाला पानी है वह मछली के अंदर चला जाए, और ये जब सब्जी बनेगा तब जब मछली खाएंगे उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल अलग है। बहुत सारे स्पाइसी खाना खा के बोर हो जाते हैं, तो कभी कभी इस तरह का रेसिपी को भी फॉलो करना चाहिए और घर में बना के खाना भी चाहिए। तो ये सिर्फ चावल के साथ ही आप खा सकते हैं। इस गर्मी में भी तो इस तरह का रेसिपी एकदम परफेक्ट ही होता है। अब इसे हम ढक्कन दे देंगे और उसके बाद ही गैस को मैंने बंद कर दिया है, उसके बाद आप लोग को दिखाएंगे। तो अब ढक्कन हटा देती है, देख सकते हैं सब्जी एकदम रेडी है। कितना पानी दिया था देख सकते हैं, एकदम मुझे जैसा रखना है वो जो पानी का जूस उतना ही है, और ये जो पानी ज़्यादा से ज़्यादा मछली में चला गया, और ये आम जो है आम भी देखिए कितना अच्छे से बॉयल हो गया है। और आप लोग चाहे तो इसमें थोड़ा सा मीठा भी डाल सकते हैं, जो लोग खट्टा नहीं पसंद करते हैं तो मीठा भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें मीठा वगैरह नहीं डाला है, हमें इस तरह का ही पसंद है, तो आप लोग ज़रूर डाल सकते हैं। तो ये जो आम और शोल फिश का रेसिपी है तो ये बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब इसे हम कर देंगे सर्व कर देंगे। तो देख सकते हैं इसका पानी कितना पतला है, और भी पतला खाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। अभी गर्मी में इस तरह का ही पतला का जूस खाना चाहिए। तो देख सकते हैं एकदम रेडी है, आप इसे हम सर्व कर देंगे। अगर मेरी रेसिपी आप लोग को पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करने के लिए मत भूलिए। बहुत ही यम्मी रेसिपी है, आप लोग जो भी नहीं बनाया है एक बार आप लोग ज़रूर बनाइए। तो इस गर्मी में तो बहुत ही चलता है बंगाल में ये रेसिपी। तो इसे मैंने सर्व कर दिया है। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।